कैसे हैं आप सब? होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। ओके, सो आज का ये वीडियो जो मेरा है, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने रिसेंटली में एसएससी एग्जाम दे चुके हैं। तो होप सो आपका 10th का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। ओके, और रिजल्ट के लिए आप लोग के लिए ऑल द बेस्ट। और आपका वेकेशन चालू हो गया होगा, लेकिन आपने सोचा है कि आपको आगे क्या करना है? मोस्टली तो बहुत लोग को पता रहता है कि हाँ चलो आगे हमको साइंस कॉमर्स आर्ट्स यही चीजें, सबको यही पता है। ओके, और मोस्टली सब यही जगह जाते हैं। अच्छी बात है, आप लोग को पता है, लेकिन इसके अलावा आप ऐसे कई कोर्सेस हैं जो आप कर सकते हो जो आपके करियर के लिए काफी बेटर है। ओके, साइंस भी अच्छा है, कॉमर्स भी अच्छा है, आर्ट्स भी अच्छा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते स्टूडेंट होते हैं कंफ्यूज रहते हैं। ओके, कि हमें क्या करना है अपने करियर को लेके। ठीक है, फिर वैसे स्ट्रीम में चले जाते हैं, फिर लगता है कि गलत स्ट्रीम ले लिया क्या, नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो आज हम वही कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि आप क्या क्या अपने करियर के लिए फ्यूचर के देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीन के सामने देख ही रहे हो करियर ऑप्शन आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। ओके, तो सबसे पहले हमारा है इंटरमीडिएट, जो हमारा HSC। काफी बच्चों को पता है एडमिशन लेते हैं 10th में, जिनका अच्छा रिजल्ट आता है बहुत लोग इसमें गवर्नमेंट अप्लाई करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज क्यों, अच्छा स्कोप है और फी स्ट्रक्चर कम है। ठीक है, और फिर हमारा जो होता है प्राइवेट कॉलेज। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं, जो है हमारा साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम बच्चे लेते हैं जिनको अगर आगे अपने फ्यूचर में अगर इंजीनियर करना है, इंजीनियरिंग बनना है, ठीक है, इंजीनियर बनना है, या किसी को मेडिकल फील्ड में जाना है, तो आप साइंस स्ट्रीम ले सकते हो। अब उसके ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको इंजीनियरिंग लेना है तो आपको तीन सब्जेक्ट जो है जो काफी इंपॉर्टेंट वो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसको हम बोलते हैं PCM। फिर अगर आपको मेडिकल साइड जाना है, आपको डॉक्टर्स के लिए करना है, तो आप वहां पे PCB ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, और जिनको दोनों में अपना करियर चेक करना है, फोकस करना है कि चलो किसी में एक अगर एक में नहीं हो तो दूसरे में सही, तो PCMB ले सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। अब इसके साथ आपको कई सारे ऑप्शन सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे आपके कॉलेज, जब आप एडमिशन करने जाओगे, ऑनलाइन एडमिशन करोगे, तो इसके साथ कई ऑप्शनल सब्जेक्ट, आप IT, ठीक है, IT हो गया, CS हो गया, साइकोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, ऐसे कई सारे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलेंगे जहाँ आपको चूज करना पड़ेगा आप अपने हिसाब से। तो मेरे हिसाब से बेटर ये रहेगा कि आप IT चूज करो, क्योंकि हिंदी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 10th में पढ़ लिया आपने, स्टार्टिंग से 5th स्टैंडर्ड से आप हिंदी पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप IT लो, CS लो। ठीक है, ताकि ये आपके आगे जब आगे आप 12th के बाद आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आगे आप कुछ भी करो तो ये बेसिक आपका तैयार रहेगा यहाँ से। ठीक है, तो आप अपने आपके ऊपर है कि आप जो आपको बेस्ट लगे, कि मेरे हिसाब से आप वही लो जो आपको आगे काम आए। तो ये था साइंस के बारे में, जहां आप इंजीनियरिंग मेडिकल ले सकते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं, आते हैं कॉमर्स सेक्शन पे। अब जिसको जिसको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कॉमर्स सेक्शन में आ सकता है। जैसे जिसको बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर के लिए देखना है, या जिसको CA की तैयारी करनी है, ठीक है, जिसको मार्केटिंग बिजनेस, ये तो वो कॉमर्स सेक्शन में आ सकता है। कॉमर्स सेक्शन काफी अच्छा है, ये भी अच्छा स्कोप है, इसमें आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर जिसको मैं कॉमर्स के बारे में क्या, कॉमर्स के बाद में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है जानना है, मेरा एक वीडियो है जिसमें करियर ऑप्शन आफ्टर 12th कॉमर्स वो देख सकता है। फिर हमारा लास्ट आता है आर्ट्स, जिनको ना साइंस में इंटरेस्ट ना कॉमर्स में इंटरेस्ट है, आर्ट्स, आर्ट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा सब्जेक्ट, जहाँ पे आप अपने कोई भी कोर्स है, मतलब आपको टीचिंग के लिए अप्लाई करना होगा, आगे चल के टीचर बनना है, ठीक है, आपको कोई फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज हो गया, ठीक है, डिजाइनिंग एनिमेशन,
ये सारे कोर्सेज आप आर्ट्स में, आर्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। तो ये जितने भी कोर्सेज अपने जितने भी स्ट्रीम बनाए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, इसके जो ड्यूरेशन होते हैं 2 ईयर्स के, जहाँ आपको 11th एंड 12th आपको ये करना पड़ता है। ओके तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अब ये तो बेसिक सबको पता है कि हमको 11th और 12th करना है, क्या क्या स्ट्रीम्स होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी होता है जो आप देख नीचे पॉलिटेक्निक। जी हाँ, पॉलिटेक्निक जिसका ड्यूरेशन 3 ईयर्स का रहता है। अब बहुत लोग सोचते हैं पॉलिटेक्निक मतलब डिप्लोमा हो गया, ठीक, हाँ बेसिक बोल सकते हैं डिप्लोमा, लेकिन ये जो आपको इसमें थोड़ा सा आपको और बेस्ट पड़ता है, इसका जो ड्यूरेशन 3 ईयर्स का रहता है। अब इसमें कई सारे ब्रांचेज रहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ऑटोमोबाइल, सिविल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, एरोनॉटिकल, एग्रीकल्चर, मरीन टेक्नोलॉजी, ऐसे कई सारे आपको इसमें फील्ड मिलेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट हो करने। अगर आप अपना एचएससी अगर आपको नहीं करना है, इंटरमीडिएट नहीं करना है, आप अपने हिसाब से इसमें अपना करियर चुन सकते हो जो इसका ड्यूरेशन 3 ईयर्स करता है। ये एक मतलब समझ लो आपका ये बेसिक इंजीनियरिंग यहाँ की आपकी पढ़ाई होती है। जैसे ही आपका थर्ड मतलब आपका ये 3 साल का कोर्स कंप्लीट होता है पॉलिटेक्निक, आपको डायरेक्ट एडमिशन जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे बीटेक, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिल सकता है। बीटेक जो होता है अपना 4 ईयर्स का रहता है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल सकता है इसका, तो आप बिल्कुल इसका टेंशन मत लीजिए। और हाँ, जिसको आफ्टर जैसे आपका ये कंप्लीट हो गया 3 ईयर्स का, अगर आपको IITs में अप्लाई करना है तो जी हाँ आप दे सकते हो, आप उसके लिए JEE मेंस का JEE एडवांस का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, ताकि आप IITs में जा सकते हो, वहां पे अपना बीटेक इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हो। ओके, मेडिकल के लिए यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि आप मेडिकल आपको साइंस करना पड़ेगा, आपको नीट उसका जो एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है, साइंस साइड से इंटरमीडिएट। और जिसको इंजीनियरिंग के लिए करना है वो नॉर्मली इसमें से अपना फ्यूचर अपना स्कोप देख सकता है, 3 ईयर्स का रहता है। आप इसका एक मतलब अच्छा ये है, स्कोप ये है कि जैसे आप 3 ईयर्स का पॉलिटेक्निक कंप्लीट करते तो आपको बेसिक पता चल जाता है कि हम क्या सीखने वाले हैं, हम आगे चल के आपको बेसिक पता चल जाता है। फिर जैसे आप यहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो, इंटर्नशिप मतलब आप कहीं पे जाके इसके ऊपर काम कर सकते हो, 6 महीने हो गया, 1 साल का हो गया, आप काम कर सकते हो, बेसिक आपको आइडिया रहता है। ओके, फिर यहाँ पे आपको कई कभी कभी आपको जॉब भी लग सकता है। यहाँ पे बहुत कंपनीज ऐसी होती हैं कि आपको यहाँ पे जॉब भी प्रोवाइड करेगी आफ्टर डिप्लोमा। आपका अगर पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो गया है, आप अपना जॉब भी कर सकते हो और साथ में आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर सकते हो, लेकिन हाँ आपके मार्क्स इसमें अच्छे रहने चाहिए, वेल मार्क्स रहने चाहिए, ठीक है, तो ये आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये 2 ऑप्शंस काफी आपके लिए बेटर है, जिसको इंटरमीडिएट जाना है वो कर सकता है, जिसको पॉलिटेक्निक करना है वो भी कर सकता है। पॉलिटेक्निक का भी एक पूरा स्टेप्स होता है, आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे HSC के लिए अपना आपको 11th के लिए ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म होता है, वैसे ही पॉलिटेक्निक के लिए भी एक एडमिशन फॉर्म होता है जो आपको फिलअप करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो दोनों का ऑनलाइन जल्दी महाराष्ट्र के वेबसाइट या आ सकते हैं, अपने अपने स्टेट के वेबसाइट पर आ सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसमें अपना करियर चुन सकते हो जो आपके लिए बेटर होगा। ओके, और इसके अलावा बहुत सारे कुछ कोर्सेस होते हैं जिसके ड्यूरेशन 6 महीने के होते हैं, 1 साल के होते हैं, 2 साल के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ITI कोर्सेज, जो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट होता है, जिसमें आपको अगर जैसे कि आप थोड़ा सा मतलब सर्टिफिकेशन करके आपको जॉब पे लगना है, वो भी आप कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका करियर उतना नहीं, मतलब करियर आपसे पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो आपको करियर के लिए बेस्ट ये 2 चीज अच्छे ऑप्शन है, आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो, आप इंटरमीडिएट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप इस पे जाओ और जो आपको बेटर लगे, जो आपको बेस्ट लगे, आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो। ओके,
तो ये था एक आपका करियर आफ्टर 10, आप क्या क्या ले सकते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए, और जो आप इस वीडियो को शेयर करो जो रिसेंटली में स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड पास हुए हैं, ताकि उनको भी पता लगे, ठीक है, कि क्या मैं अपने करियर में कौन कौन से सब्जेक्ट चुन सकता हूँ। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ओके, चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।